दोस्तों व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है, लेकिन व्हाट्सएप में एक ऐसी बहुत सारी सेटिंग होती है जो किसी को नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कैसे तीन हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में जो आपको 100% नहीं पता होगा। और अगर ये तीन सेटिंग आप जान लेते हैं तो आपको पहले से बहुत ही ज्यादा मजा आएगा व्हाट्सएप चलाने में। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कौन सी वो तीन ट्रिक है जो आपको नहीं पता है लेकिन आप हर दिन जो है कि व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो करते हैं शुरू। मेरा नाम है कन्हैया मौर्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक वाले बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से सब्सक्राइब है, इसको जरूर दबा के क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल में। और बगल में ऐसी बिल्कुल छोटी सी घंटी होगी, बिल्कुल छोटी सी घंटी होगी, इसको जरूर बजा दें। और उसके बाद नीचे आपको जाना है दोस्तों, यहाँ पे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे नीचे जाना और आपको यहाँ पे एक कमेंट लिखना है। यहाँ पे आपको कमेंट क्या लिखना है, नाइस वीडियो या फिर नाइस लिख के यहाँ पे जो कि इसको सेंड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि अगर इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर टाइटल है, टाइटल पर क्लिक करके यहाँ पर टाइटल को क्लिक करके आप नीचे ऐप लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों मैं अपना व्हाट्सएप जो कि ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ सबसे जो है कि पहली जो ट्रिक है, सबसे पहले जो सेटिंग है दोस्तों, आप जो कहीं भी अगर हैं तो आप अपने लाइव जो कि अपना लोकेशन को शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। उसके लिए आप अपना फोटो के साथ जो कि शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई फोटो ले लेता हूँ, सपोज मैं कोई यहाँ पे कैमरा वाला फोटो है, यहाँ पे कैमरा वाला फोटो, मैं कैमरा से कोई फोटो ले लेता हूँ, मैं अपना ही फोटो ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कैमरा से कुछ भी फोटो ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे माउस का फोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई फोटो ले लिया, यहाँ आप अपना भी फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते, तो यहाँ पे फोटो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टिकर का ऑप्शन है सबसे ऊपर स्माइली का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लोकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी टाइम लेना, टाइम बड़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी टाइम कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन पर कर, तो यहाँ पर आपका करंट लोकेशन यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर आपका करंट लोकेशन जो कि यहाँ पर सेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो करंट लोकेशन आपका यहाँ पे शूट हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने किसी भी दोस्तों को शेयर कर देंगे। जैसे ही आप किसी दोस्तों को ये इमेज जो शेयर करेंगे तो उस इमेज को डाउनलोड करेगा। जैसे ही इस प्रकार डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करने के बाद इस पर जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्ट जो कि वो मैप में, यहाँ पे देखिए जैसे इस पर क्लिक किया सी लोकेशन दिख गया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो कि मैप में दिख जाएगा कि आपका या फिर आपके दोस्त का लोकेशन क्या है। तो इस प्रकार आप दोस्तों व्हाट्सएप पे किसी को भी अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली ट्रिक थी, तो मुझे जरूर बताइएगा ये आपको ट्रिक पता था या नहीं, और आपको कैसी लगी पहली ट्रिक, इसी बात पर लाइक ठोक दो। उसके बाद दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ दूसरी सबसे बेहतरीन जो कि ट्रिक। दोस्तों होता क्या है कि कई ऐसे अननोन लोग होते हैं जिनको कुछ फाइल या फोटो, एक दो फोटो शेयर करना होता है, तो उनको शेयर करने के लिए उसके आपको नंबर को सेव करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी ट्रिक मैं बताऊँ, किसी को भी आप व्हाट्सएप पे इमेज फोटो कुछ भी जो कि सेंड कर सकते हैं बिना जो कि उसके नंबर को सेव किए। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ बैक जाना है, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने में किसी एक पर्सन को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ग्रुप बन गया, ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी स्टैंड अप इंडिया दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया। ग्रुप का नाम देने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद इस ग्रुप को ओपन कर लीजिए। इस ग्रुप को ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर जाइए कि इसी नाम पे क्लिक करिए। नाम पे क्लिक करने के बाद जिसको आप ज्वाइन किया थे उस पर क्लिक करिएगा, उसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर रिमूव करने के बाद एक ग्रुप में सिर्फ आप ही बचे। उसके बाद इस पर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको उस ग्रुप को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है, ध्यान दीजिए, wa.me/country code, जिस कंट्री का वो नंबर है, कंट्री कोड 7348 कुछ भी यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर डाल दिया। जैसे ही मैंने डाल दिया, और ये नंबर जो कि व्हाट्सएप पे मौजूद होना चाहिए। जैसे इसको सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो कि वो खुल गया। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे वो जो कि नंबर ओपन हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी उसको लिख कर भेज सकते हैं, कुछ भी, आपको नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो दोस्तों ये दूसरी सबसे बेहतरीन ट्रिक थी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लग रही है उसका। चलिए दोस्तों तीसरा जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फोटो है और इसके साथ लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे ही मैं फोटो पर क्लिक करके सेलेक्ट करके इसको शेयर करता हूँ किसी दोस्तों को, यहाँ पे शेयर कर दिया तो सिर्फ फोटो जाता है और लिखा हुआ नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको उसी फोटो पे फिर से दोबारा क्लिक करना होगा। यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन है कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद शेयर वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप क्लिक करना है, उसी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं फोटो और जो टेक्स्ट लिखा हो। तो दोस्तों ये तीन ट्रिक्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, शायद आपको नहीं पता रहा होगा, अगर पता होगा तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता था तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगी वो भी मुझे बताइएगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।